दूसरी वेब की जाने के बाद लगातार तीसरी वेब का खतरा विशेषज्ञ बता रहे हैं, जिसको लेकर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगातार जारी है। इसकी आज निरीक्षण मथुरा के CDO नितिन गौड़ ने किया। इस मौके पर SDM मथुरा विकास दुबे, CMO मथुरा रचना गुप्ता भी जिला अस्पताल में मौजूद रही। मथुरा CDO नितिन गौड़ से ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। वही अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। जनरल वार्ड में मरीजों से भी बातचीत की कि CDO नितिन गौड़ ने बताया कि शासन के आदेश अनुसार ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की पाइपलाइन सभी वार्डों में नहीं लगी है। वही प्लांट के चलने के अतिरिक्त जनरेटर की जरूरत पड़ेगी, जो भी अभी शासन से नहीं आया है। जल्द ही शासन के द्वारा जनरेटर उपलब्ध करा दिया जाएगा और 3 से 4 दिन में ऑक्सीजन प्लांट चालू करा दिया जाएगा। एवं आज जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों का भी जायजा लिया गया, जिसमें पहले से काफी सुधार देखने को मिला। संभवत तीसरी वेब को देखते हुए जिला महिला अस्पताल में सांसद नीतू से पीकू वार्ड बना जा रहा है। वहीं पीकू वार्ड वृंदावन में भी बनाया जा रहा है। साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर नितिन गौड़ ने बताया कि पहले से व्यवस्थाओं में काफी सुधार हुआ है। वहीं मथुरा CDO ने बताया कि मथुरा CMS मुकुंद बंसल आग्रह भी किया गया है कि जिला अस्पताल में सभी डॉक्टर ड्रेस कोड पहन कर रहे हैं, जिससे मरीजों को डॉक्टरों की पहचान हो सके। ये जो जिला अस्पताल का निरीक्षण है, ये कोविड की सेकंड वेव के पश्चात जो ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाने का एक मिशन था राज्य सरकार का, तो उसके अंतर्गत प्रिपेयरनेस देखी गई है। यहाँ पे 667 लीटर पर मिनट का एक नया ऑक्सीजन प्लांट एस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन उसकी अभी अंदर तक पाइपलाइंस कनेक्ट नहीं हो पाई हैं। पाइपलाइंस खाली अभी मेडिकल वार्ड तक गई हैं, तो बाकी वार्ड्स में भी जाना अभी शेष है। इसके अलावा जनरेटर हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो ऑक्सीजन प्लांट को रन करने के लिए, तो वो जनरेटर अभी शासन के द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया, जो जल्दी ही हमें मिल जाएगा। इसके अलावा विद्युत संयोजन से रिलेटेड एक यहाँ पे 11 kV का एक ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग द्वारा लगाया जा चुका है और उसके नई मीटरेज भी लगाई जा चुकी है। अंदर का विद्युत संयोजन अभी अवशेष है, तो वो विद्युत संयोजन और जो सिविल वर्क बचा हुआ है, पाइपलाइंस वाला वर्क है, ये सब CMS डॉक्टर मुकुंद बंसल जो काफ़ी परसिस्टेंटली फॉलोअप कर रहे हैं, उन्होंने अवगत कराया कि 3 से 4 दिन में पूरा करा लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ सर्जिकल वार्ड में मरीजों से उनका हालचाल पूछा गया कि डॉक्टर्स उन्हें देखने आते हैं या नहीं, और टाइम पे बैंडेजेस हो जाती हैं या नहीं, खाना पीना ठीक मिलता है या नहीं, और जहाँ पे OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर है उधर का निरीक्षण किया है। अभी व्यवस्था पहले से तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बेटर है। जैसे मैं यहाँ पे 3-4 महीने पहले जब आया था, तो तब से तो ज़्यादा बेटर है। क्राउड इतना नहीं है, उसका एक रीज़न ये भी है कि अभी मेडिकल OPD बंद है, सर्जिकल OPD और इमरजेंसी चालू हैं। इसके अलावा CMS आपकी एक योजना है साइनेजेस बनाने की, ताकि मरीज़ों को अपना गंतव्य, अपना डिपार्टमेंट, अपना डॉक्टर ढूंढने में दिक्कत ना हो। इसके अलावा एक CMS साहब से मैं ये भी निवेदन मैंने किया था कि डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी अपने लैब कोट में रहें, वरना मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों को कई बार दिक्कत हो जाती है पहचानने में कि ये डॉक्टर हैं या आम आदमी हैं। बट हाँ, पहले से तो व्यवस्थाएँ डेफिनेटली बेटर हैं और आगे हम और इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तीसरी लहर के दृष्टिगत हमने अपनी ऑक्सीजन कैपेसिटी एनहेंस की है। जुलाई एंड तक हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी 14-16 मेट्रिक टन्स पर डे हो जाएगी, जो अगस्त में जब कोसी CSC सोने वाला ऑक्सीजन प्लांट भी बन जाएगा, तो कैपेसिटी बढ़कर 18-20 मेट्रिक टन पर डे हो जाएगी। इसके अलावा जो थर्ड वेव संभावित है, मतलब कोई डेफिनेटली नहीं कह सकता, बट जो संभावित थर्ड वेव है, उसके लिए एक पीकू वार्ड की स्थापना जिला महिला चिकित्सालय में होगी और एक डिस्ट्रिक्ट कम्बाइंड हॉस्पिटल वृंदावन। तो जिला महिला चिकित्सालय से सांसद निधि से हमें जल्दी कुछ धनराशि मिलने की अपेक्षा है, और शासन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कम्बाइंड हॉस्पिटल वृंदावन में पीकू वार्ड की स्थापना होगी, जो 20 बेडेड होगा।